साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर ने सलमान खान की किस्मत बदल दी थी। इस फिल्म ने ना केवल सलमान के करियर को बुलंदियों तक पहुंचाया था बल्कि उन्हें बॉलीवुड में टाइगर के नाम से मशहूर भी कर दिया था। लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने ये फिल्म सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर की थी। इतना ही नहीं, यशराज फिल्म्स जो इसमें पैसा लगाने वाली थी उनकी पहली पसंद भी शाहरुख खान ही थे। क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन शाहरुख ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उस समय वो डोन 2 पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहते थे। इसलिए कबीर खान को बाद में इस फिल्म के लिए सलमान खान को बतौर एक्टर साइन करना पड़ा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर शाहरुख खान इस फिल्म के लिए हामी भर देते तो बॉलीवुड में किंग खान के बाद टाइगर का टैग भी शाहरुख खान के पास ही चला जाता और सलमान का करियर खतरे में पड़ सकता था। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इस फिल्म के लिए बतौर एक्टर कौन सही चॉइस था, सल्लू मियां या शाहरुख खान? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस एक बात बताओ कि आज तक आपने सबसे महंगा पिज्जा कितने का खाया है? 400, 800, 1000, ज्यादा से ज्यादा 5000। लेकिन आज जिस पिज्जा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसकी कीमत हजारों में नहीं है बल्कि लाखों में है। जी हाँ गाइस, इटली के सारलेनो शहर में मिलने वाले इस पिज्जा का नाम है लुई 13। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना महंगा पिज्जा है तो इसका साइज भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पिज्जा का साइज सिर्फ 6 इंच है और कीमत 9.5 लाख रुपए। दरअसल इस पिज्जा की सबसे खास बात यह है कि इसे कार्बनिक अरब के आटे से बनाया जाता है और इसके लिए आटे को 72 घंटे पहले ही गूंद कर रखा जाता है, यानी कि इसे बनाने में करीबन 3 दिन लगते हैं। इसके बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया की मरी नदी से लाए गए खास गुलाबी नमक को छिड़का जाता है। वहीं इसकी टॉपिंग के लिए इसमें स्पेशल पनीर और 3 तरह के केवियार डाले जाते हैं जो कि बहुत रेयर और महंगे हैं। कुल मिलाकर ये पिज्जा जितना महंगा है उतना लजीज भी है। लेकिन क्या आप सिर्फ स्वाद के लिए 9.5 लाख रुपए खर्च करना चाहोगे जितने में आप कार ले आओगे? बात तो सही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ट्वीप शॉर्ट्स ने डुबा दी ऑस्ट्रेलिया की नैया, जानते हैं कैसे? हाल ही में हुए खुलासे में यह पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहला टेस्ट हारने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक प्लान तैयार किया था, जिसमें खिलाड़ियों को यह नसीहत दी गई थी कि खासकर जडेजा और अश्विन के सामने सभी खिलाड़ियों को स्वीप शॉट खेलना है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे ही दूसरा टेस्ट शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया टीम का यह पैंतरा उन पर ही उल्टा पड़ गया और सबसे ज्यादा विकेट स्वीप शॉट खेलते हुए गिरे, जिसमें दूसरी पारी में तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी स्वीप शॉट पर ही आउट हुए। और इसीलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जडेजा से इस पर सवाल पूछा गया तो जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो स्वीप खेलते गए और हमें विकेट मिलते गए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कहां गलती कर दी जिसकी वजह से वो टेस्ट मैच इतनी बुरी तरीके से हार गए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।